अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि शाबान का मुबारक महीना चल रहा है और शाबान की 15वीं तारीख शब रात बहुत ही देरी है। ये बहुत ही बाबरकत रात है, बहुत ही ज़्यादा फजाइल है इसके। कुछ अजकार और इबादत शब बारात में करने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, जैसे कि शब बारात का रोज़ा रखना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने के कसरत से रोज़े रखा करते थे। सहाबा कराम ने जब आपसे अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रोज़े रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है जिसमें अल्लाह के हुजूर हमारे आमाल पेश किए जाते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि 15 शाबान का रोज़ा रखने से पिछले साल के 15 शाबान से लेकर इस साल तक के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कितनी ज़्यादा फजीलत है इस एक रोज़े की। कोशिश करें कि ये रोज़ा रखें, रात को क़याम करें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें और कुछ अस्कार भी करें। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि इस रात मेरा अल्लाह पूरे साल के नामा अमाल का ऐलान करता है, यानी कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, कौन बीमार होगा, सारी चीज़ें, क्या होना है क्या नहीं होना, ये सारी चीज़ें इस रात तय की जाएंगी। तो कोशिश करें कि इस रात क़याम करें, नवाफिल पढ़ें, अस्कार करें, ताकि जब हमारे अमाल पेश हों और अल्लाह ताला हमारा नामा अमाल लिखें तो उसमें कुछ नेकियां हों, कुछ इबादत हों, कुछ अस्कार हों। और एक ऐसा जिक्र जिसकी शब बारात में करने की काफ़ी जगह पे रिवायत मिलती है कि शब बारात को हमें इस शब इशर की नमाज़ के बाद 108 मरतबा सूरह फातिहा और 108 मरतबा सूरह नस्र पढ़कर अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ा कर दुआएं करें और हर वो चीज़ मांगें जिसकी हमें ख्वाहिश हों, जो तलब करना चाहते हैं वो अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला ज़रूर वो आपकी किस्मत में लिख देगा। इस रात की है ही इतनी बड़ी फजीलत कि अल्लाह ताला किसी का किसी की दुआ रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह ताला खुद कहता है इस रात, है कोई जो मुझसे मांगे कुछ, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रात वो हम सबकी बख्शिश अता फरमाए, हम लोगों पर रहम करे, हमसे राज़ी हो जाए, हमारी हर तरीके से हर लिहाज से मदद करे, हमारी दुनिया और आखरत सवार दे। अल्लाह ताला हम सब की हर जायज़ और दिली मुराद पूरी करे। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने और इस बाबरकत रात के सदके हमसे राज़ी हो जाए, ये जो मोहलिक वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में इसका खात्मा कर दें। आप सब भी ज़रूर दुआ करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और बाकी तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने को शर्त अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।